वेलकम फ्रेंड्स, आज हम भारत के सभी ओस्कार पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज फर्स्ट ओस्कार विनर ऑफ इंडिया, भारत का पहला ओस्कार पुरस्कार जीतने वाला कौन था, है ना? भानु अथैया, याद रखिए, भानु अथैया भारत का पहला व्यक्ति थे जिन्होंने 1983 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे। भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ओस्कार पुरस्कार दिया गया था और गांधी फिल्म के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, ये भी याद रखें। व्हिच इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर ओन ओस्कार अवार्ड, किस भारतीय संगीत निदेशक को ओस्कार पुरस्कार दिया गया था? ए आर रहमान, याद रखें, ए आर रहमान 2009 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे। और गुलजार को भी बेस्ट लॉरिक्स के लिए, बेस्ट लिरिक्स के लिए गुलजारों को भी ओस्कार पुरस्कार दिया गया था जो जय हो सॉन्ग उन्होंने लिखा था। रिसुल को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए भी ओस्कार पुरस्कार दिया गया था 2009 में। याद रखिए, इस तीनों व्यक्ति 2009 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए। इन तीनों व्यक्ति को ओस्कार पुरस्कार दिया गया था। व्हिच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म ओन ओस्कार अवार्ड इन 2023? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2023 में किस भारतीय फिल्म को डॉक्यूमेंटरी फिल्म के रूप में ओस्कार पुरस्कार दिया गया था? द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स जो एक शॉर्ट फिल्म था, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में डॉक्यूमेंटरी फिल्म के लिए ओस्कार पुरस्कार हासिल किए हैं। और इस फिल्म को जो बनाए थे वो थे कृतिक गुनित, यादव के कृतिक गुनित, इस दोनों व्यक्ति ने द एलिफेंट विस्परर्स फिल्म को निर्माण किए थे। व्हिच सॉन्ग ओन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन 2023 ओस्कार अवार्ड? 2023 में ओस्कार अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किस गीत को पुरस्कार दिया गया था, किस गाना को ओस्कार पुरस्कार दिया गया था? ना नाटू नाटू, याद रखिए, नाटू नाटू बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में 2023 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए हैं। ये भी याद रखिए, एम किरवानी, नाटू नाटू सॉन्ग का म्यूजिक डायरेक्टर थे एम किरवानी और लिरिक्स चंद्र बोस नाटू नाटू सॉन्ग का लिरिक्स थे और एम किरमानी म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये भी याद रखे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। व्हेन ओस्कार अवार्ड फाउंडेड, कब ओस्कार अवार्ड को स्थापन किया गया था? मई 26 में ओस्कार अवार्ड को स्थापन किया गया था। हु गिव ओस्कार अवार्ड, ओस्कार अवार्ड किसने दिए? द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस जो एक अनुष्ठान है यूएसए में, उन्होंने ओस्कार पुरस्कार प्रदान करते हैं। द ओस्कार अवार्ड गिवेन फॉर व्हिच कैटेगरी, जो ओस्कार फिल्म किस कैटेगरी में दिया जाता है? एक्सीलेंट इन सिनेमैटिक अचीवमेंट, ताले सिनेमा क्षेत्र में ओस्कार पुरस्कार को दिया जाता है। ये भी देखिए लिस्ट, ओस्कार विनिंग भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ओस्कार पुरस्कार जीते थे 1983 में। इसी तरह सत्यजीत राय हॉनररी अवार्ड हासिल किए थे 1992 में। रिसुल बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे। इसलिए गुलजार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग लिखने के लिए 2009 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे। ए आर रहमान बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में ओस्कार पुरस्कार हासिल किए थे। कृतिक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए 2023 में ओस्कार हासिल किए हैं। किरवानी एंड चंद्रभास जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2023 में ओस्कार
पुरस्कार हासिल किए हैं। M.M. किरमानी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे और चंद्र बोस जो लिरिक्स थे नाटू नाटू सॉन्ग के, ये भी याद रखें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।